हाँ वास्तव में यहाँ पर जो अदिति है ना, इसने ये सब कुछ शब्द कहे थे। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर शान कबीले के अंदर इतनी ज्यादा खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों का होना बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी, और अदिति की प्रतिभा, अदिति इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, इसकी वजह से बहुत से लड़के यहाँ पर उसके पीछे लट्टू होकर पड़े रहते थे। जहाँ जाए वो बाथरूम में जाए, गटर में जाए, नहाने जाए, बाहर जाए, इधर जाए, उधर जाए, शॉपिंग करने जाए, कहाँ पर भी जाए, लेकिन वो उसका पीछा छोड़ते ही नहीं थे। हर कोई बंदा आ जाता था, अदिति मैं तेरा प्रेमी हूँ, मैं तेरा वो हूँ, ये वो करते हुए, और वहाँ पर अदिति उन सभी से परेशान हो चुकी थी। उसके बाद में वहाँ पर उन सभी से उसने एक अनाउंसमेंट कर दी थी कि कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा, मेरे को केवल एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो यहाँ पर पेंटिंग के अंदर अच्छा हो, शतरंज के अंदर अच्छा हो, और वह जीरो के अंदर भी अच्छा हो। गाइस आगे आने वाले कुछ ऐसे व्यवसाय है जिसके बारे में आज तक अभी तक पता नहीं चला है, तो आगे आने वाले एपिसोड के अंदर इसका पता चलेगा कि भाई कौन कौन से व्यवसाय है। और उसी के चलते हुए यहाँ पर अदिति ने वो सब कुछ अनाउंस कर दिया था, हालांकि उसका यहाँ पर कोई बनता नहीं था कि वो किसी की शादी करेगी, क्योंकि उसको अपने ऊपर पूरा का पूरा विश्वास था कि यहाँ पर शायद ही कोई ऐसा लड़का होगा इस दुनिया के अंदर जो इसको यहाँ पर हरा सके। इसी वजह से उसने बड़े ही होशो आवाज के अंदर वह सब कुछ कह दिया था। लेकिन अब यहाँ पर जो अदिति थी, अब अपने होने वाले पति देव को अपने सामने देखने के बाद में उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। आखिरकार उसके होने वाले हस्बैंड उसके सामने खड़े हुए थे और उसने यहाँ पर अपना घूंघट भी नहीं लगा रखा था, तो उसका चेहरा तो यहाँ पर शर्म से लाल हो गया ही ना, लाल क्या पीला वीला सब को कुछ हो चुका था। वही वो वहाँ पर विपिन से पूछती है, विपिन क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ, क्या तुम मुझे ये बताओगे क्या तुम यहाँ पर शतरंज के अंदर भी उतने ज्यादा अच्छे हो जितने ज्यादा तुम पेंटिंग के अंदर अच्छे हो? क्या पेंटिंग? हाँ पेंटिंग के अंदर तो मैं अच्छा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये मेरा मेन मुद्दा नहीं है, यहाँ पर मैं इसको हमेशा हमेशा नहीं करता, ये तो बस कभी कभी मेरा मन होता है चलते फिरते तो मैं कर लेता हूँ। हाँ हालांकि यहाँ पर शतरंज के अंदर मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं बैठता है, मैंने आज से उसके बारे में कुछ ना पढ़ा है ना कुछ जानता हूँ, मुझे उसके बारे में खेलना बिल्कुल भी नहीं आता। ओह अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर सिखा दूंगी, क्या तुम मेरे साथ में मेरे घर चलोगे? यहाँ पर मैं तुम्हें वहाँ पर आराम से बैठ कर सब कुछ सिखाऊंगी कि शतरंज खेलते हैं और वह सब कुछ भी कैसे खेलते हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। वह सब कुछ शब्द कहने की जगह पर यहाँ पर जो अदिति का चेहरा था ना, वह शर्म से लाल हो चुका था, क्योंकि वह ऐसे ऐसे शब्द थे जो यहाँ पर कोई हम बता नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पर चैनल पे बहुत से बच्चे भी हैं। इसी वजह से वहाँ पर जो विपिन था वो उसको देखता रहता है, क्या शतरंज? नहीं 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 नहीं, मेरे को शतरंज वतरंज नहीं सीखना है, मैं तुम्हारे साथ में नहीं जाना चाहता, वैसे भी यहाँ पर मैंने केवल दो ही दिन तो यहाँ पर पेंटिंग के अंदर दिए थे और मैं फालतू में यहाँ पर अब और समय यहाँ बर्बाद नहीं कर सकता। विपिन का वैसे भी यहाँ पर जो मेन मोटिव था ना, वह यह था कि यहाँ पर वह जो यहाँ का युवा राजकुमार है उसको बाहर बुलाना चाहता था और चैलेंज करने के लिए। इसी वजह से वहाँ पर वह सोच रहा था कि सभी को यहाँ पर एक के बाद में एक चैलेंज दिया जाए, जिसके बाद में शायद वो निठल्ला राजकुमार बाहर निकल कर आ सकता था, लेकिन वह आ नहीं रहा था और यहाँ पर विपिन के पास में इतना समय था नहीं। वहीं उसकी आवाज सुनने के बाद में अदिति को फिर से एक जोरदार धक्का लगता है, वो विपिन से कहती है, विपिन विपिन बस 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 करो, तुम क्या कह रहे हो, क्या तुमने दो दिन के अंदर यहाँ पर पेंटिंग सीखी थी, केवल तुमने दो दिन इसकी प्रैक्टिस की थी? हाँ मैंने दो दिन ही प्रैक्टिस की थी, वहाँ पर विपिन ने उससे कहा, हाय राम मैं मर गया। वहाँ उसके साथ में अब फिर से सबकी सब धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं, ऐसा लग रहा था कि आज उनके कब्र के ऊपर कफन जरूर आने वाला है और सभी को दफनाने के लिए हमारी गैंग पीछे खड़ी हुई है। वैसे यहाँ पर विपिन सच भी कह रहा था, वो सही था, हर एक स्टार के ऊपर विपिन यहाँ पर केवल दो दो घंटे ही बुक्स को पढ़ा करता था और यहाँ पर बस वो अपनी लो प्रोफाइल को बनाए रखने के लिए यहाँ पर बस दो दिन बता रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि अगर दो दो घंटे मिलाकर यहाँ पर आठ स्टार तक पहुँचने की बात की जाए तो ये 16 घंटे होते हैं, और विपिन ये नहीं चाहता था कि वो 16 घंटे खाकर यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी बातें ढींगने हाँकने लगे, और अगर उसने ऐसी कोई बात कह दी तो विपिन को पक्का भरोसा था कि पहले यहाँ पर उसकी ये बातें सुनने के बाद में जो आत्माएं गायब होती थी ना, उसी तरह से यहाँ पर ये सारे सारे भी यहाँ से दुनिया को बदार जाएंगे और फिर यहाँ पर मेरे नाम को ब्लैक लिस्ट के अंदर कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा? फिर मास्टर टीचर्स मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे और मेरे ऊपर इंजाम लगाएंगे कि ये बंदा है, ये बंदा, इस बंदे ने यहाँ पर सभी को बोल बोल कर मार डाला। इसी वजह से विपिन ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। क्या तुमने वास्तव में दो दिन के अंदर किया था? फिर से यहाँ पर अदिति ने वह शब्द पूछ लिए, लेकिन यहाँ पर विपिन का बिल्कुल भी मूड नहीं था कि वो बार बार एक ही सवाल का जवाब बार बार देता रहे, वो बार बार अट्टा फिक्सेशन करना नहीं चाहता था, तो वो उससे कहता है, छोड़ो उन सभी बातों को, मेरे को उन सभी से कोई भी मतलब नहीं है, वैसे भी अब यहाँ पर मैं जीत चुका हूँ ना, तो क्या तुम यहाँ पर अब मुझे अपना शिखर हाई लेवल स्पिस्टोन दे दोगे? हो भाई, अरे तेरे पीछे सामने एक लड़की खड़ी है जो तेरे को इन्विटेशन दे रही है रूम में जाने का, अब साले मरेगा क्या? वहाँ पर अब सभी सभी बंदे ऐसे ही करने
करने लगते हैं। वही साक्षी भी अब उस सर के बारे में सुनने के बाद में जो उसने वहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर की थी ना, वो यहाँ पर फूट फूट कर हंसने लगती है। ये बंदा पागल वागल है क्या, मैं इससे यहाँ पर शादी की बात कर रही हूँ और ये मेरे को यहाँ पर इस तरह से कह रहा है। अदिति अपने मन ही मन के अंदर बड़बड़ाने लगती है क्योंकि वास्तव में इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की उसके सामने खड़ी थी तो फिर भी यहाँ पर शिखर हाई लेवल स्पेस स्टोन की बात कर रहा था कि यहाँ पर मेरे को शिखर हाई लेवल स्पेस स्टोन दे दो, क्या वास्तव में मेरे को शर्मिंदा करना चाहता था। यहाँ पर अदिति का चेहरा पूरी तरह शर्म से लाल हो चुका था, ऐसा लग रहा था कि वो किसी पर यहाँ पर फट पड़ेगी। हो सकती है फिर वहाँ पर अदिति फिर उसको समझाती है, विपिन क्या आपने यहाँ पर वो बात नहीं सुनी जो उस बंदे ने वहाँ पर थोड़ी देर कहा था? उसने ये कहा था ना कि जो यहाँ पर मेरे को पेंटिंग जीथर और ये संत रत्न के अंदर हरा देगा मैं उससे शादी कर लूंगी। फिर भी आप यहाँ पर शिखर हाई लेवल स्पेस स्टोन के ऊपर ही अटके हुए हैं, अदिति ने कहा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर अदिति ने वो शब्द वापस से कहे ना तो उसके साथ विपिन का गुस्सा बढ़ जाता है। ओहो हेलो हेलो, मैं कोई वो नहीं हूँ, ठीक है ना, मेरे को अपना शिखर हाई लेवल स्पेस स्टोन दे दो। बात हुई थी शर्त की, अब यहाँ पर तुम अगर मेरे से ये फालतू की बातें कर शादी कर लूंगी, वादे कर लूंगी, तुम ये सोच रही हो ना कि मेरे को शिखर हाई लेवल स्पेस स्टोन नहीं दे सकती, तो सोच रहा ही मत, मैं बंदा खराब हाँ ठीक है, मैं बहुत ही खतरनाक बंदा है, मैं यहाँ पर किसी के पैसे नहीं छोड़ता और मेरे पैसे हो ना तो मैं वहाँ पर सामने वालों को लूट खाऊं लेकिन एक रुपया ना छोड़ू मैं। वहाँ पर विपिन ने उससे कहा, उसके साथ में साक्षी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। ये बंदा बेवकूफ है क्या, आखिरकार मैं इसे क्या कह रही हूँ, ये क्या कहने की बात कर रहा है, मैं यहाँ पर ऐसे कह रही हूँ मेरे से शादी कर ले, अरे तेरे को रोजाना यहाँ पर मजे मिलेंगे, लेकिन ये बंदा यहाँ पर मेरे से शिखर हाई लेवल स्पेस स्टोन मांगने की कोशिश कर रहा है। अब वहाँ पर उसकी वह हालत देखने के बाद में जितेश और अन्य लोग पूरी तरह से हैरान परेशान थे, लेकिन विपिन तो था विपिन, वो यहाँ पर सख्त लोंडा, अरे उसको तो कुछ पता ही नहीं है लव क्या होता है, बव क्या होता है, बस उसको तो प्रत्युषा चाहिए, प्रत्युषा प्रत्युषा के लिए तो वो कुछ भी कर सकता है, फिर ऐसे लड़के को तो ना वो रखता। वो सब होता है, हे लड़की अदिति तुम्हारा जो भी नाम है, मुझे मेरे ना एक शिखर हाई लेवल स्पेस स्टोन दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मुझे यहाँ पर फालतू की चीजों में नहीं फंसना है, विपिन ने ऐसा कहा। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में जितेश सोमेश और अधिक ये सभी अपना सर पकड़कर वहाँ पर बैठ जाते हैं। ये बंदा पागल है क्या, इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की यहाँ पर इसको प्रपोज कर रही है और शादी के लिए डायरेक्ट इन्वाइट कर रही है, तो यहाँ पर ये अभी तक भी शिखर हाई लेवल स्पेस स्टोन लेने के लिए पीछे पड़ा है। यहाँ पर उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये बंदा पागल है या फिर ये केवल पागल होने का नाटक वाटक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर शान कबीले के अंदर जो अदिति थे ना कोई नॉर्मल लड़की तो बिल्कुल भी नहीं थी, अगर यहाँ पर वो उससे शादी कर लेता तो उसके बाद में एक क्या यहाँ पर उसको कम से कम हजारों लाखों शिखर हाई लेवल स्पेस स्टोन मिल सकते थे, वो इतना ज्यादा अमीर हो जाता, वो फिर यहाँ पर तैरता फिरता, और ये बंदा यहाँ पर अभी तक भी इसका कुछ नहीं होने वाला। जितेश और यहाँ पर जो सोमेश सर उन्होंने सर पकड़ लिया, वो समझ चुके थे कि जो भी यहाँ पर बड़ा लड़ाकू होता है ना वो इन सभी चीजों से हमेशा दूर रहता है, वो कहते हैं ना वो वाली कहावत है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, वही ऐसा यहाँ पर ये विपिन कर रहा था। वही लड़के भी उस चीज को देखने के बाद में पूरी तरह से हैरान परेशान रह चुके थे, यार ये बंदा खतरनाक निकला, अगर ये उससे शादी कर ले तो उसको शिखर हाई लेवल स्पेस स्टोन के अंदर तैरने का मौका मिल सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं कर रहा। वही विपिन तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। वही उसकी वह हालत देखने के बाद में जो अदिति थे ना उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि हे भगवान मुझे उठा ले, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, ये बंदे मेरी यहाँ पर इंसल्ट करे जा रहे हैं, मुझे बुला ले भगवान मुझे बुला ले, क्योंकि अगर वास्तव में शान कबीले के अंदर इसके बारे में पता चल जाता कि किसी बंदे ने केवल एक मात्र शिखर हाई लेवल स्पेस स्टोन के लिए उसको रिजेक्ट कर लिया था तो उसके बाद में उसका क्या था, उसका तो कट जाना था और उसको यहाँ पर मुंह छुपा कर काला वाला करके इधर उधर घूमना पड़ता। वहीं दूसरी तरफ दूर से एक आवाज सुनाई देती है, जब वो लड़का देखता है कि यहाँ पर उन सबकी राजकुमारी परी और उनकी जो दिलों की धड़कन है उसके यहाँ पर इंसल्ट हो रही थी, तो वह आगे बढ़ता है और वो कहता है, हेलो दोस्त, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, मैं भी तुम्हें यहाँ पर चैलेंज देने के लिए आया हूँ, मुझे विश्वास है कि तुम यहाँ पर मेरे चैलेंज को जरूर स्वीकार करोगे। वहाँ पर वह लड़का आगे बढ़ता हुआ आता है और वह विपिन से कहता है, और मेरा नाम रघु है। रघु, अच्छा रघु, तुम मेरे को यहाँ पर वास्तव में क्या चैलेंज करना चाहते हो? विपिन हैरान था, वैसे यहाँ पर विपिन को कोई भी वो चीज नहीं थी कि वह यहाँ पर सभी से चैलेंज ना करे, वैसे भी उसके पास में एक अच्छा मौका था, वह यहाँ पर केवल शान कबीले को नीचा दिखाने और उसको दौड़ दौड़ा के पटकने आया था। इसी वजह से यहाँ पर अगर वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर मारता है और उत्कृष्ट प्रतिभाओं को यहाँ पर दूर चढ़ा देता है तो उनके साथ में उसका मनोबल टूट जाएगा, इसी वजह से वहाँ पर वह सभी को चैलेंज देने के लिए तैयार था। तो यहाँ पर जो विपिन था उससे वह पूछता है कि हाँ ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम यहाँ पर मुझको किस तरह से चैलेंज देना चाहोगे। वही उसकी बात सुनने के बाद में जो लड़का था ना वो उससे कहता है, हाँ बिल्कुल इजी है, देखो हमारे पास में एक संत बीस्ट है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसको यहाँ पर काबू करना
करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था संत कबीले के लिए भी। लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, अगर तुम उस संत बीस्ट को यहाँ पर अपने काबू के अंदर कर देते हो ना तो तुम जीत जाओगे। एक बात बताऊँ, मैंने भी उसको अभी तक यहाँ पर अपने काबू के अंदर नहीं किया है, उसको काबू करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या संत बीस्ट? संत बीस्ट कौन सा संत बीस्ट, क्या तुम मुझे बताओगे? वह विपिन उससे कहता है, हाँ वह संत बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसके अलावा यहाँ पर उसको पकड़ना कोई आसान काम नहीं है। वह विपिन इसलिए पूछ रहा था कि वह जानना चाहता था कि आखिरकार वह संत बीस्ट कैसा था। वैसे भी उसको यहाँ पर अपने बीस्ट टेमिंग के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे से भरोसा था। अगर कोई संत बीस्ट उससे ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ या फिर कोई ब्लड ड्रैगन ब्लड लाइन का हुआ तो उसके बाद में उसके लिए आसान हो जाएगा कि वह उसको आराम से पकड़ सके। इसी वजह से वो उसको कहता है। वह उसकी वह बात सुनने के बाद में रघु कहता है, हाँ हाँ वह हमारे यहाँ के एक एल्डर का पालतू बीस्ट है जिसको तुम्हें यहाँ पर अपना पालतू बनाना होगा। क्या एल्डर का पालतू बीस्ट? तो क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर उसको अपने काबू के अंदर कर लिया तो क्या मैं उसको यहाँ से ले जा सकता हूँ? वह उसकी वह बात सुनने के बाद में रघु ने कहा, हाँ बेशक, वैसे भी यहाँ पर वो हमारे मुखिया का है, अगर तुम उसको ले जाते हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन तुम्हें इससे पहले यहाँ पर उस बीस्ट को यहाँ पर अपना पालतू बनाना होगा, उस लड़के ने कहा। और उसके साथ में उससे एक और बात कहता है, हाँ लेकिन यहाँ पर एक शर्त और है हमारी भी, तुम यहाँ पर जीते तो तुम्हें बीस्ट मिल रहा है, लेकिन हमें क्या मिलेगा? तुम एक काम कर सकते हो कि यहाँ पर अगर तुम हारते हो ना तो उसके बाद में तुम सीधे पहले यहाँ पर घुटनों के बैठोगे और उसके बाद में जो तुम्हारे सामने हमारी परी अदिति खड़ी हुई है ना उनसे माफी मांगोगे, वो भी ऐसे नहीं नाक रगड़ रगड़ कर। उसके बाद में ज्यादा कुछ नहीं, हमारे शयन कबीले से दफा हो जाओगे। जैसे वहां पर वो शब्द कहे गए दूसरी तरफ एपिसोड यही खत्म हो गया। गाइस स्क्रिप्ट में पे खत्म हो गई थी, इसी वजह से सॉरी यार, है ना। तो कल भी तीन नहीं आए थे, आज भी तीन नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं चलता है। हम मिलते हैं शाम को जल्दी। और स्टोरी अपडेट्स के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और आपका सपोर्ट ऐसे दिखाना तो जल्दी हम यहाँ पर 3000 सब्सक्राइबर्स को कम्प्लीट करने वाले। गाइस 3000 सब्सक्राइबर्स तो बड़ा मजा आ जाएगा, बस एक बार करा दो।